बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नेशनल इशूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर हुसैन चौधरी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि सुबह पंजाब के अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद साहब कहते हैं कि जितने करप्शन के काम पंजाब हुकूमत के हैं, कारनामे सामने आ रहे हैं, इसको रिकॉर्ड सील क्यों किया जा रहा है। कोई आशाना स्कीम हो, सस्ती रोटी स्कीम हो, या इसके अलावा कोई और मंसूबा हो, मेट्रो या ऑरेंज, इसमें करप्शन के केस सामने आ रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब हमारे हाथ में आला मियां मोहम्मद शबाशी साहब कहते थे कि एक ढेले की करप्शन साबित हो जाए तो मुझे, अगर मैं मर गया हूं तो मुझे कब्र से निकाल कर लटका दिया जाए। लटकाने की तो बात दूर तक है, क्योंकि 22 जनवरी को नैब ने जो तलब किया गया है उस पर भी बात करेंगे कि नैब ने क्यों तलब किया गया है। आशाना हाउसिंग स्कीम में इन्होंने कौन सी लूटमार की है, कौन सा करप्शन के केस सामने आए हैं और जो नैब के इल्म में आए हैं। इसके अलावा नाज़रीन बात करेंगे कि हमारे जो नए वज़ीर आज़म शाहिद हकान अब्बासी साहब हैं, जो बेशक कठपुतली हुकूमत बन के बैठे हुए हैं, वो उन्होंने जो जलसे में खिताब किए बक्कड़ में, और नए इन्होंने कहा है कि यहाँ पे जितने सेहत के मसाइल हैं, क्योंकि अवाम को जो इलाज है वो सबसे महंगा है, और जब वो कर्ज़ ले कर इलाज कराती हैं तो उनको कर्ज़ चुकाने के लिए भी बहुत ही मुश्किल पेश आती हैं और फिर उनकी खुदकुशियाँ भी सामने आती हैं। इस वजह से हम सहूलत कार्ड उनको दे रहे हैं, जो 15 लाख जो ख़ानदान है वो मुस्तफ़ीद होंगे, वो किस हद तक मुस्तफ़ीद होंगे वो भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे नाहल वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जलसा किया था कल हरिपुर में, और उन्होंने बात की है कि यहाँ हम काम करने वाले हैं, हमने हमेशा काम करके दिखाया है, और हर सूबे में हमारी अपोजिशन की हुकूमतें हैं, उन्होंने वहाँ पर कुछ नहीं किया, और लेकिन सिर्फ हम तनकीद का निशाना बन रहे हैं, और ये तनकीद का निशाना क्यों बन रहे हैं वो भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार साहब ने कल जो धुआंधार तकरीर की है, जो उन्होंने बातें की हैं वो बिल्कुल सच्ची हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो करप्शन का दौर दौरा चल रहा है और जो इकदाम किए हैं, जो दारों ने पट्ठा बटा के रखा है, और जहाँ पे दूध जो है वो खालिस से मिल सकता है, बच्चे जो है दूध पी के जो बीमारियों का शिकार होते हैं और कैंसर जैसी मुहलिक बीमारियों के मरीज़ हैं, उससे छुटकारा दिलाने के लिए जो भी इकदाम किए जाएँ अदारों को करने चाहिए, लेकिन जब अदारों के फेलियर सामने आता है तो फिर किसी ना किसी को तो नोटिस लेना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम के जो सवालात हैं और जिनके जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे, हमारे साथ तशरीह रखते हैं राना अब्दुल समी साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। ये पाकिस्तान की दूसरी मकबूल तरीन जमात है, क्योंकि जहाँ भी कोई ज़िमनी इंतबात होते हैं या कोई भी लोकल बॉडीज होते हैं, उनमें हमेशा दूसरे नंबर पर ये जमात रही है, और ये अपने आप को पहले नंबर पर किसान करेगी ये इनसे पूछेंगे। उनके साथ तशरीह रखते हैं अकरम चौधरी साहब, जो सीनियर एनालिस्ट हैं। इनका तजिया अवाम के लिए होता है, अवाम के इश्यूज़ पे होता है, हुक्मरानों के लिए नहीं होता, बेशक वो पाकिस्तान मुस्लिम नून से हों या तरीके इंसाफ हो या पीपल्स पार्टी हो, कोई भी जमात हो, ये जमातों के साथ नहीं है, ये अवाम के साथ हैं, ये अच्छी बात है। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ अकरम चौधरी साहब से करते हैं। वेलकम टू द शो सर। अकरम चौधरी साहब, 22 जनवरी यानी कल बरोज़ पीर को खादमी आला मियां मोहम्मद शबाशी साहब को बुलाया गया है, उनको समन दिया गया कि आके बताया जाए जो करप्शन आपने कहा है कोई नहीं हुई है, तो आशाने स्कीम है जो करप्शन सामने आई है, इसका कोई लब्बे लवा बताए हमें। देखें, ये जो इशू है ना शबाज शरीफ साहब को जिसके लिए बुलाया गया है, ये बहुत माइनस माइनस निकाल के अभी निकाला गया है। ये बेसिकली पाकिस्तान में एक बड़े लैंड माफिया के खिलाफ पहला इकदाम होगा। आपको याद है इससे कुछ अर्सा पहले ख्वाजा साद रफीक के ख़िलाफ़ भी समन जारी हुए थे और उन्हें भी नैब ने बुलाया था, और नैब ने जब उन्हें बुलाया तो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उसके बाद ये काम आगे चला है। ये आशियाना इकबाल एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो पहले किसी को अलॉट किया गया, बिड हुई उसकी बाकायदा, और वज़ीर आला पंजाब ने अपने ज़ाती इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उस बिड को कैंसिल किया और हाफ प्राइस पर ये प्रोजेक्ट जो है ख्वाजा साद रफीक की सी सी ए एस ए शायद इस तरह की कोई कंपनी है, उसको अलॉट कर दिया गया। ठीक है, उनको नवाज दिया गया। अब इसके अलावा भी इसके पीछे कहानी है कि ये जो ज़मीन है सरकार की, ये ज़मीन बिलियन रुपीस की ज़मीन है, और आपने इस ज़मीन के अगेंस्ट उनको कहा है कि ये जो पैसे हैं बिड के आप एडजस्ट कर दें कंस्ट्रक्शन पे और आशियाना इकबाल बना लें और दोनों हाथों से लूट लें। ये मेरी ज़ाती राय है, तो बड़े मोहतात कैलकुलेशन है कि 200 अरब रुपया तो सिर्फ इसकी किक बैक होगी। अभी ये हकायक सामने आ जाएंगे, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान में नैब का अदारा और मुल्क के वो मुक्तदर अदारे जो इस वक्त काम कर रहे हैं कि मुल्क की सिम्मत का तय्यन हो सके, कि आइंदा करप्शन का बाजार
बंद नहीं तो कम से कम मिनिमाइज किया जा सके। लेकिन अकरम चौधरी साहब यहाँ पे बदकिस्मती एक बात है, जो सस्ती रोटी तंदूर की उन्होंने स्टार्ट किया था 2008 से 13 तक, उसमें 5 साल में जो करप्शन हुई है, जो लूटमार हुई है, उसको तो अभी तक 4.5 साल में कुछ नहीं हुआ। तो अभी आपका समझने के कुछ हो सकेगा? उसमें हम सब जिम्मेदार हैं, इसलिए जिम्मेदार हैं कि हम एहतसाब के लिए फॉलो अप नहीं करते हैं। हम आज आप ये इशू रेज कर रहे हैं, 4 दिन के बाद जब एक नया इशू आ जाएगा हम इस पर खामोशी इख्तियार कर लेंगे। हमारी जो सियासी जमातें हैं जिनका सही करदार ये है कि अगर वो इनकी करप्शन के चार्जेस को देखते हैं उन्हें उसके लिए तमाम तरीकाकार बर्वेकार लाने चाहिए, बजाय इसके कि शाम को टॉक शोज पर बैठकर या अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप अपना पॉइंट स्कोरिंग कर लें। हमें उसके लिए तमाम कानूनी आईने रास्ते इख्तियार करने चाहिए। यानी देखिए, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिस तरह 100 मोटो नोटिसेस ले रहे हैं, मुझे आप ये बताएं कि अगर आप हर चीज़ चीफ जस्टिस के पास लेके जाएंगे तो कितने दिन आप भागेंगे यहाँ से? ये नैब के अदारे, मैं यानी तहरीक इंसाफ से मुझे ज़ाती तौर पर जो है मैंने उनके साथ खुद वक्त गुजारा है, कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन जो उन्होंने ये 5 साल ज़ाया कर दिए हैं, मेरे नज़दीक ज़ाया कर दिए। ये उन्होंने जो 2 साल से पनामा का केस है उसको दबने नहीं दिया, बैठने नहीं दिया, क्योंकि अभी आपने खुद ही बात की है, मैंने कहा मैं उस पर कायम हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जब ये पार्लियामेंट में गए थे, पार्लियामेंट में एहतसाब के लिए मजबूत कानून बनाने की ज़रूरत थी, नए इंतखाबात के लिए ट्रांसपेरेंट निज़ाम को कायम करने के लिए कानून की ज़रूरत थी। हम अगर इन चोरों डाकुओं लुटेरों से जान से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अगर आईनी रास्ते इख्तियार करने हैं, आईनी रास्ते के साथ साथ जद्दोजहद करनी चाहिए। हमें पार्लियामेंट को वो इज्जत और एहतराम देना चाहिए था जो वहाँ पर कानून बनाने के लिए ज़रूरी थे, लेकिन हमने पार्लियामेंट से बाहर रह के जद्दोजहद की है, लेकिन इसका सारे का सारा वजन कल अगर PTI को मौका मिल जाता है इन पर आ जाएगा। और ये जो वाइट कॉलर क्राइम है, इसको आइडेंटिफाई करना और उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल काम होता है, और अभी आपको उसका अंदाज़ा हो रहा है कि मुझे क्यों निकाला कि गर्दान करने वाला नाहल शख्स पाकिस्तान के हर कोने में जाके एक नैरेटिव पेश कर रहा है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, पाकिस्तान के इनोसेंट अवाम ज़रूर कुछ एक तादाद में मोटिवेट हो रहे होंगे जो उनके साथ मुत्तफिक होंगे, लेकिन अगर हमने कानून का रास्ता मजबूत किया होता और हमने इस वाइट क्राइम कॉलर को तलाश करने के रास्ते अडॉप्ट किए होते तो ये नैरेटिव नहीं बिक सकता था। हमें काम दोनों तरफ से करना है। अगर हमने जमहूरियत को तरक्की देनी है, हमने इस मुल्क में आवाम को उनके हकूक़ देने हैं, तो हमें उन्हें उनका तहफ़ करने का रास्ता भी समझाना है, उन्हें ये भी गाइड करना है कि आप अपने हकूक़ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं और डिफाइन करने के बाद आप उनको कैसे हासिल कर सकते हैं। हमारे मुल्क में जितनी कमी अवेयरनेस की है उतनी शायद इश्यूज की नहीं है। हमें ये नहीं पता कि इस चलती हुई सड़क पे हमें लेफ्ट राइट मुड़ने से पहले क्या करना है, हमें इस सिग्नल से क्रॉस करने के लिए क्या करना है। हम ना दूसरों का हक मानते हैं ना अपना हक हासिल करते हैं। हमें सबसे पहले ये ट्रेनिंग भी साथ साथ देनी चाहिए और उसके साथ साथ सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। अगर ऐसा ना किया तो यकीन माने हम ऑलरेडी हजूम हैं। ये हजूम जो है आपस में उलझता उलझता इस मुल्क की मंजिल को ज़्यादा दूर कर देगा। जी आगे बढ़ते हैं। जी राना अब्दुल समी साहब, जो अकरम चौधरी साहब ने जो तजिया पेश किया एक्यूरेट यही चीज़ है और आवाम यही समझती है कि, लेकिन आवाम को इन्होंने एजुकेट नहीं होने दिया। 30-35 सालों से बड़े सिकदार हैं, पीपल्स पार्टी भी होगी, नून लीग भी होगी, लेकिन ये दूसरी तरफ जो करप्शन के केसेस हैं इनमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी हमोश तमाशाई बन के बैठी रही है। जो इशू से उस पर बात नहीं हो सकी, आशाना स्कीम हो, सस्ती रोटी स्कीम हो, मेट्रो हो, उसके अलावा बहुत से और ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें अरबों रुपये की करप्शन की गई है, उस पर आप लोग क्यों चुप करके बैठे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर भाई, असल में करप्शन के ऊपर ही तो तरीके इंसाफ ने पाकिस्तान की सियासत को ज़िंदा रखा हुआ है और करप्शन की, और अपने आप को भी, अपने आप को तो रखा ही है, और पाकिस्तान की आवाम अगर जाग रही है तो करप्शन के नारे पर जाग रही है, और चूँकि करप्शन से छुटकारा मिलेगा तो ये पाकिस्तान बचेगा, वरना ये पाकिस्तान का इस वक्त बचना मुश्किल है। जैसे ये जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मुजीबुर्रहमान की मिसालें अभी दे रहे हैं, तो ये इनके जो दिल में 10 साल पहले जो लेकर आए थे मंसूबे, वो इनके सामने आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने शुरू हुए।
यहाँ पे जिस लेवल की ये करप्शन कर रहे हैं, जिस लेवल के ये कारीगर हैं, जिस लेवल की इन्होंने 56 कंपनियाँ बना के इन्होंने अपने जो कहते हैं ना दिले की, अगर करप्शन साबित हो जाए, ये दिले की इसलिए कहते हैं कि इन्होंने इस लेवल के ऊपर जाके, वो पंजाबी में हम कहते हैं जकड़बंद लगाए हुए हैं कि यहाँ पर हमारी जो करप्शन है ये सामने साबित नहीं हो सकती। तो अब वो वक्त आ गया है कि नैब जो कल मुर्दा थी आज जिंदा हो चुकी है। अल्लाह करे कि ये यही काम ये 3 साल पहले ये अदारों ने करने थे, ये अदारे बने इसलिए हुए हैं। ये यकीनन तरीके इंसाफ का, जो आप कहते हैं कि तरीके इंसाफ का कसूर है, हम एडमिट करते हैं कि जिस लेवल पे हमें एड्रेस करना चाहिए था, लेकिन मसाइल इतने ज़्यादा थे कि हम एक एक टाइम के ऊपर एक टाइम को हिट कर सकते थे, वो हमने किया। लेकिन इस वक्त जो अदारे हैं, राणा अब्दुल समी साहब, आप लोगों को भी, अपोजिशन लीडरों को भी तफीक हुई है कि आशाने पे बात हो रही है, सस्ती रोटी पे बात हो रही है, मेट्रो पे बात हो रही है, आप लोग क्यों नहीं इनकी करप्शन को कोर्ट में लेके गए, क्यों नहीं इनका लड़कारा कि इस प्रोजेक्ट में इतने अरबों रुपए की करप्शन इन्होंने की है, लैपटॉप में अरबों रुपए की करप्शन हुई है, करोड़ रुपए की करप्शन, उसको आप लोगों ने मौज तमाशाई, इसकी बात, इस बात का रोना है। असल में अगर देखा जाए ना, यहाँ पे ये 2008 से तो एक करप्शन शुरू हुई है। पुरानी अगर देखी जाए तो इनकी पीली टैक्सी की भी जितनी स्कीमें थी वो आज तक कोई भी सस्टेन नहीं कर सके। ये सस्टेन इसीलिए नहीं कर सके, इनके पास कोई लॉन्ग रन उसका मंसूबा नहीं होता। गरीबों को धोखा देने के लिए ये वाली स्कीमें शुरू करते हैं और उसके अंदर अपने जो इनके नुमाइंदे हैं उनके अंदर बंदर बांट करने के लिए ये पैसे बांटे जाते हैं। इसके ऊपर हमारे जो अपोजिशन लीडर है पंजाब असम्बली, उन्होंने पंजाब असम्बली के अंदर भी तरीके इस्तेहकाक भी जमा करवाई, वहाँ पे इस्तेहकाक कमेटी के अंदर भी इस इशू को वहाँ पे रखा गया। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे असल में जब सस्ती रोटी के इशू को डिस्कस किया गया और उसके साथ ही ये पनामा का इशू भी सामने आ गया, ये एक एक इशू के ऊपर यहाँ पे हाईलाइट हुआ है पंजाब असम्बली के अंदर। लेकिन पंजाब असम्बली के अंदर उनकी अक्सरियत है, जिससे असम्बली को इमरान खान साहब ने कहा कि भी ये असम्बली के ऊपर हम मैं लानत भेजता हूँ, वो इसीलिए कहते हैं कि ये असम्बली जो है बुनियादी तौर पे चोरों डाकुओं को तफस देती है, ये जो लोग यहाँ पे करप्शन करते हैं उनको तफस देती है। इन्होंने बताएं कि इन्होंने पंजाब असम्बली के अंदर या कौमी असम्बली के अंदर कोई एक कानून ऐसा पास हुआ है जिसके ऊपर गरीबों को रिलीफ मिला हुआ, किसी गरीब के लिए इन्होंने कोई काम किया हो, कोई एक लेजिस्लेशन बता दें कि कानून साजी इन्होंने की हो कि जिसके अंदर किसी गरीब का फायदा हो। ये सस्ती रोटी का भी जो नाम था 2008 से कि सस्ते तंदूर लगा दिए, वो अपने बंदों को ओबलाइज करने के लिए था, ना कि एक गरीब आदमी को रिलीफ देने के लिए था। गरीब आदमी तो 2008 से 13 तक भी उसी तरह गरीब था। 2012-13 के अंदर इन्होंने कहा कि जी हम इनका पैसा बाहर से लूटा हुआ इनके पेट फाड़ के लेकर आएंगे, वो भी सारे ये भूल गए। हर दफा एक नया लॉलीपॉप दिया जाता है। जी आगे बढ़ते हैं अकरम चौधरी साहब, एक और चीज़ बड़ी अहम है कि जब हम बात करप्शन की करते हैं तो फिर हम थोड़ा अर्सा बात करते हैं, जैसा आपने पहले की है, नंदीपुर पावर प्लांट था उसको हम बात करना छोड़ दिए, कायद आजम सोलर पावर प्लांट उस पर बात करना छोड़ दिए, कोल प्रोजेक्ट्स हों उस पर बात करना छोड़ दिए, चकवाल का कोई मसला हो, फिर एक इनकी स्कीम आई थी जिन्होंने बड़ा कहा पाकिस्तान अमीर हो रहा है, यहाँ पर सोना दरियाफ्त हो गया, सोना निकल रहा है, हर दफ़ा एक नया लॉलीपॉप दिया जाता है, उसके बाद लॉलीपॉप भी वाम चूस चूस को थक जाती है और हुक्मरान जो अपनी रिजाइशियों में लगे रहते हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मेरा तो थीसिस ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर किया कि ये प्रॉब्लम है हमारा, और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सियासी जमातें जब तक अपने अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रखेंगी, अगर पीटीआई के पास कोई एक थिंक टैंक होता, उनकी अपनी एक लीगल टीम होती है, बदकिस्मती ये है कि उनका बहुत अच्छा लीगल विंग है, हामिद खान की सूरत में बहुत अच्छे लॉयर्स उनके पास अवेलेबल हैं, वो पाकिस्तान बार एसोसिएशन में हमेशा कमोबेश जीतते रहते हैं उनका ग्रुप, लेकिन बदकिस्मती से मुल्क के लिए डिलीवर नहीं कर सके। और दूसरी बात यह है कि पीटीआई में भी सवाए एक इमरान खान के कोई नेक नीयत नहीं है, मैं बिल्कुल, मुझे इसमें कोई दो आर नहीं है, मैं बहुत अफसोस के साथ ये बात समझता हूँ कि पार्लियामेंट में कारकर्दगी पीटीआई की भी उतनी ही बुरी है। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है अकरम चौधरी साहब, अगर आप समझते हैं कि इमरान खान साहब के अलावा कोई नेक नीयत बंदा नहीं है या कोई काम करने का जिसको जुनून नहीं है, तो 21-22 सालों में ये फिर 21-22 लोग भी तैयार नहीं कर सके, तो 22 करोड़ अवाम पे हुकूमत करने की बात किसान करते हैं ये लोग? मैं, अगर आप मेरे से पूछेंगे ना, तो मैं बहुत फिक्रमंद हूँ कि अगर कहीं खुदा ना खास्ता पीटीआई को मौका मिल गया तो इस मुल्क के साथ क्या होगा। क्योंकि देखें, पीटीआई ने एक इशू के ऊपर काम किया है, करप्शन के ऊपर। भाई करप्शन इशू है, लेकिन करप्शन को किस तरह रिजॉल्व करना है, कौम को अल्टरनेटिव क्या देना है,
आपका मैनिफेस्टो क्या है, कौम को तरक्की कैसे देनी है, अवेयरनेस कैसे क्रिएट करनी है, और माफिया, देखें जब तक आप माफिया से जान नहीं छुड़ाएंगे आप कोई काम और नहीं कर सकेंगे। ये जो शरीफ रजीम है फ्रॉम द 1981, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के ऊपर 36 साल से एक माफिया की सूरत में मुसल्लत है। अच्छा सर, ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक के बाद हमें इस चीज़ का जवाब लेना आपसे कि जो नवाज शरीफ साहब ने कल जलसा किया था हरिपुर में, उन्होंने कहा है कि यहाँ के अवाम हमें अभी भी पसंद करती है, अभी भी वोट देना चाहती है, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई काम हो नहीं सका। हम ये पूछना चाहते हैं पंजाब में 10 साल से उन्होंने कौन सी दूर दशा की नहरें बही हैं जो हरिपुर में नहीं हो सका या खैबर पख्तूनख्वा में, उसका हम आपसे जवाब लेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। अकरम चौधरी साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर शायद हकान अब्बासी साहब हों या नायल वज़ीर-ए-आज़म साहब हों, ये सारे एक बात करते हैं कि धरनों की वजह से सारी सियासत का तबाह करके रख दिया है, टाइम पूरा नहीं करने दिया जा रहा है, काम पूरा नहीं करने दिया जा रहा, हर सुबह में इनकी हुकूमतें हैं फिर भी काम नहीं हो रहा, फिर क्या माजरा क्या है फिर? ये माजरा ये है कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ा पीछे चला जाऊँ। जी जी बिल्कुल। जब ये 2013 में इस मुल्क में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने एक स्ट्रेटजी तय की कि इस कौम को कैसे बेवकूफ़ बनाना है और इन सियासी जमातों को कैसे किसी नए स्लोगन के पीछे लगाना है, इन्हें ताकि भगाते भगाते थका दें, जो कि उन्होंने थका दिया है। और अब आपने चकवाल में 30,000 की शिकस्त से अंदाज़ा लगा लें कि पीटीआई कितनी हाँप रही है, कर रही है, वो हप हप के उनका बुरा हाल हो गया है कि वो चकवाल में उन्होंने पहले से 10,000 ज़्यादा वोट लिए बाय इलेक्शन में और ये इन्होंने कम लिए और ये 30,000 वोटों से हारे, उस दौर में जब इन्हें सुप्रीम कोर्ट नाहल करार दे चुकी थी। ये बदकिस्मती है इस जमात के लिए, सोचने की ज़रूरत है। अच्छा हुआ ये सियासी जमातों को दूसरी तरफ लगा दिया और आज मुल्क का हाल ये है कि जब जरदारी साहब जैसी एक हकूमत जिसके बारे में आम परसेप्शन यही है कि वो बैड गवर्नेंस की जिंदा मिसालें थी, वो गई तो पाकिस्तान पर कोई 40-42 बिलियन डॉलर या 46 बिलियन डॉलर का कर्जा था और आज आप 100 बिलियन डॉलर के कर्जे पे हैं। और बदकिस्मती ये है ये कोई नहीं पूछ रहा कि ये 60 बिलियन डॉलर ये और 60 बिलियन डॉलर जो आप चाइना से लेंगे कर्जा जो ले रहे हैं साथ साथ, ये 120 बिलियन डॉलर और आज से 2 साल बाद जब इस पाकिस्तान पर कर्जा 150 बिलियन डॉलर का होगा तो इस कर्जे को उतारेगा कौन और हमारी सिमत का तयन करने का रास्ता क्या होगा? उसका तरीका उन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए ये मेन बुलेवार्ड सिग्नल फ्री कर दी, सुबह से शाम तक किसी के इश्तहार चलते हैं। आप कभी इनसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब क्या इनसे ये पूछेंगे कि ये गुज़श्ता 5 साल में मीडिया को दिए हुई रिश्वत और मीडिया को दिए हुए इश्तहारात किस फंड से इस्तेमाल किए गए और उसके मकासद क्या थे? क्या वो मेडिसिन के लिए नहीं दी जा सकती थी? क्या वो फ्री एजुकेशन के लिए नहीं दी जा सकती थी? क्या लोगों की किस्मत नहीं बदली जा सकती थी? हम भी रोजाना एक नए लॉलीपॉप के साथ इनके शादियाने बजा रहे नहीं, होते जब पंजाब में तो चलो मान ली कि हुकूमत ने बड़े इश्तहार दिए हैं, मीडिया कुछ किया रहा है, उसके बाद फिर केपीके गवर्नमेंट ने तो कोई इश्तहार नहीं दिया तो फिर वो क्यों निकाल कर दिखा रहा है? साहब मरकज भी यही कर रहा है यार, यहाँ पे आके ना मुझे अफसोस होता है कि यार आप पंजाब को, सिंध को, खैबर पख्तूनख्वा को और बलूचिस्तान को एक साथ क्यों कंपेयर करते हैं? आपको पता है कि आपके एनएफसी अवार्ड का 68% तो ये ले जाता है। अगर कौमी सरमाए में 1 अरब डॉलर आता है खर्च करने के लिए डेवलपमेंट के लिए, 68 अरब रुपया तो ये ले जाते हैं उसमें से, बाकी 32 अरब डॉलर अगले 3 सूबों में तकसीम होता है। तो भैया उन्होंने अपने अवेलेबल फंड्स के मुताबिक ही खर्च कर रहे हैं। मसाइल तो पाकिस्तान के गुज़श्ता 70 साल से किए नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी को बायस शर्म नहीं कहा जा सकता। महदूद वसाइल में उन्होंने एक अच्छी कोशिश की है, वो कोशिश यह है कि उन्होंने कोशिश किया कि अदारों की सिमत का तयन कर दें, उन्होंने कोशिश की पुलिस को डीपोलिटिसाइज कर दें, उन्होंने शायद कर लिया है, उन्होंने कोशिश की है कि एजुकेशन और हेल्थ में रिफॉर्म्स को लाया जाए, शायद उन्होंने कर ली है। अगर उन्हें मौका मिला आइंदा इसके तसलसल का तो आप फिर उन्हें कह सकते हैं। यहाँ तो ये सूरत हाल नहीं है भाई, 85 से 88 आप चीफ मिनिस्टर थे, 88 से 90 आप चीफ मिनिस्टर थे, 90 से 93 आप चीफ मिनिस्टर थे, 93 से 96 आप चीफ मिनिस्टर थे, 96 से 99 आप चीफ मिनिस्टर थे, 2000 से 2002 से 2008 के अलावा आप
85 से आज तक तो यहाँ पे शायद हकान अब्बासी, यहाँ पे शायद हकान अब्बासी साहब की बात याद आ गई है कि सिर्फ 3 माह जो है नवाशी साहब सदर जिया साहब को मिले थे, उनकी कुर्बत में रहे हैं, बाकी तो वो आप जो कहते हैं उनकी गोद में बैठ गए, ये बात नहीं है। हाँ, तो नहीं गोद में नहीं, उन्होंने उनको मंजिल तक पहुंचा दिया और उनकी जगह खुद बैठ गए। चले आगे बढ़ते हैं जी। राणा अब्दुल समी साहब, ये बात अखनू चे साहब की बिल्कुल ठीक है और यही आम आदमी समझता है कि आपको 21-22 साल का अर्सा हो गया है सियासत में, लेकिन आप अभी तक बहुत से ऐसे बंदे पैदा नहीं कर सके जो लूटमार की जिन्होंने की थी दूसरी पार्टियों में रह के उनको आलोक ने अपने आस पास लगाया हुआ है, तो फिर मामला किस ठीक हो सकते हैं? इंसाफ का दारोमदार तो आपकी पार्टी में भी कुछ नहीं है। बिल्कुल इंसाफ का दारोमदार है। मैं कहता हूँ कि जैसे अक्रम चौधरी साहब ने पहले अपने बयानिए में कहा कि तरीके इंसाफ जो है इसके पास कोई टीम नहीं है, और दूसरे बयानी में इन्होंने खुद ही बता दिया कि इन्होंने पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स कर दी हैं, इन्होंने एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म्स कर दी हैं, हेल्थ के अंदर रिफॉर्म्स कर दी हैं, साथ इन्होंने ये भी फरमा दिया कि जो इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, चूँकि तहरीके इंसाफ ज़ाती तिजोरियाँ भरने के लिए नहीं काम करती, तहरीके इंसाफ का और PMLN का जो कंपैरिजन ही आपको नहीं करना चाहिए। तहरीके इंसाफ अदारों को रीइंस्टेट करने की कोशिश कर रही है, जबकि PMLN जो है अदारों को तबाह करने के लिए काम कर रही है। तो आज तक इन्होंने कोई भी अदारा रीइंस्टेट करने की आज तक कोशिश ही नहीं की। जो करप्शन इस वक्त अपनी इंतहा को पहुंची हुई है, जहां पे ये दिल्ली की बात करते हैं, करोड़ों अरबों खरबों रुपए की बात करनी चाहिए कि जिसके ऊपर इनको बैरूनी धमकियां भी मिल रही हैं कि जी आपको इतना पैसा दिया, आपने रिजल्ट तो कुछ भी नहीं दिया, उसमें से वो पैसा जो है गरीब आवाम तक भी नहीं पहुंचा, गरीब आवाम तक सेठ की शक्ल में आना था, एजुकेशन में आना था। 2018 सिर्फ आपने KPK की गवर्नमेंट से महदूद रहना है कि पूरे पाकिस्तान पे उसका ख्वाब देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने का, उसकी बात जब हम करते हैं तो तब आपके आस पास हमें कोई लोग नजर नहीं आते जो दयानतदार हो, जो जिनका नाम अच्छा हो या जिनकी काबिलियत हो, ये बात हो रही है। देखिए इमरान खान के इर्द गिर्द अगर असद उमर हैं तो दयानंददार हैं, अगर शाह महमूद कुरैशी हैं उनके ऊपर एक दिल्ली की करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, तो इमरान खान सारे मुर्शद आप लोगों ने इकट्ठे किए हैं। इमरान खान जो है, इमरान खान बिल्कुल उसके चारों तरफ जो हैं नेक और साफ और पारसा लोग बैठे हैं, ऐसी बात नहीं है, और ऐसे बंदे बैठे हैं जिनके ऊपर इतमाद किया जा सकता है कि वो बिल्कुल करप्शन के नज़दीक नहीं आने देंगे, और वो बिल्कुल डेडिकेटेड है। नेशनल लेवल की अपनी जो अदारों को रीइंस्टेट करने जा रहे हैं उनका मकसद ये है कि यहाँ पे अदारे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान की गरीब की आवाम जो है उस तक ये आवाम फैजयाब होगी फायदों से। अच्छा राणा साहब, जरा एक सवाल मैं पूछता हूँ अक्रम चौधरी साहब से। अक्रम चौधरी साहब, अगर 3-4 दिन पीछे जाएं तो हमने ज़ाहिर कादरी साहब का जो जलसा था वो बुरी तरह नाकाम हुआ, फ्लॉप हो गया, मतलब कुछ समझ नहीं आई कि मैनेजमेंट की कमी थी, जो 14 मासूम लोग शहीद हुए उनके इंसाफ की कमी थी, या फिर लीडरान में कमी थी, या फिर अवाम नहीं इकट्ठी हो सकी, ये क्या मामला आता है इसकी तरफ जो थोड़ी त्वचा। मैं एक मिनट राणा साहब, मैं राणा साहब की बात का पहले जवाब दूंगा। राणा साहब अगर ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों एक नहीं हैं, तो फिर मेरे सवाल का जवाब दे दें कि इमरान इस्माइल और मुफ्ता इस्माइल क्या अलग-अलग हैं? असद उमर और उमर जो उनका भाई है उमर ज़ुबैर उमर, क्या वो दोनों अलग-अलग हैं? भाई मैं अगर इस लीथल डिबेट में चला जाऊँगा ना तो इनके पल्ले कुछ नहीं रहेगा, मैं नहीं चाहता हूँ। PTI के पास पोलिटिकल वर्कर नहीं है, PTI के पास पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास इलेक्शन लड़ने की डायनामिक्स नहीं है, उनके पास तंजीम साजी का कोई फन कोई हुनर मौजूद नहीं है, और बदकिस्मती से उन्हें लोगों की पहचान नहीं है। जो खैबर पख्तूनख्वा की बात मैंने की, ये उसे गलत इंटरप्रिटेशन कर गए हैं। मैं NFC अवार्ड के हवाले से बात करता हूं कि हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए 100 रुपए में से, क्योंकि उन्हें 10, 12 या 13 रुपए मिलते हैं, 70 रुपए तकरीबन पंजाब को मिल जाते हैं, तो हमें उन्हें 10-12 रुपए के मुताबिक गेज करना चाहिए। जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं ना, वो वीजन है इमरान खान का। अगर इमरान के पास अच्छी टीम हो तो ये पार्टी बहुत आगे जा सकती थी, लेकिन बदकिस्मती से इस पार्टी ने आज तक अपनी सियासी जमात नहीं बनाई। हम इसको आगे छोड़ते हैं, जलसे पे आता हूँ। जलसा नाकाम हुआ है 2 शख्सियात की वजह से, एक आसफ अली जरदारी और एक मोहम्मद इमरान खान नियाजी की वजह से। नहीं, मेरा एक ज़ाती इख्तलाफ है, यानी अगर आपने आसफ अली जरदारी के साथ नहीं चलना, आपको एक उनके साथ सियासी इख्तलाफ है, उनके पर्सनल ग्रीवेंसेस हैं आपके उनसे, तो भाई मेरे आपको इस 1 पॉइंट एजेंडे पर
उनके साथ खड़े होने की लेकिन अकरम चौधरी साहब, इमरान खान साहब तो पहले दिन से ताहिल कादरी के साथ है, वो कहते हैं जहां भी जुल्म हो एक आदमी भी शहीद हुआ हो तो हम उसके साथ है, तो आप क्यों बार गोलमोल कर रहे हैं? कोई साथ नहीं है, अगर साथ होते तो इसको 3 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, पता नहीं कितना अरसा हो गया है। 2014 में ये वाकया हुआ था, ठीक है ना, 2014 जून में ये वाकया हुआ था, आज आप 2018 में एंटर हो गए, 3.5 साल कौन सी जिद्दोजहद की है? ठीक है, ताहिल कादरी साहब ने भी कोई नहीं की, आई एम सॉरी, हमारे यहाँ खलूस की कमी है और इस मुआशरे की इससे बड़ी क्या बदकिस्मती है कि इस मुआशरे में 14 लोग कत्ल होते हैं, 100 के करीब वांडेड होते हैं जो जिंदू से और मुर्दों से ज्यादा बुरी हालत में हैं, लेकिन ये मुआशरा कितना बेहिस है कि हम उन्हें भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए नतायज हासिल किए बगैर अपने अपने सियासी फवायद के लिए अलहदगी इख्तियार करते हैं, इससे बड़ी क्या बदकिस्मती होगी। ये जिस पार्लियामेंट की बात इमरान खान ने जिस पर लानत भेजी है, मुझे इमरान खान के इस नुक्ता नजर से भी शदीद इख्तलाफ है, पार्लियामेंट पर लानत भेजना। लेकिन अकरम चौधरी साहब, एक मिनट प्लीज, पार्लियामेंट तो देखें एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक बिल्डिंग है, लानत भेजे उन लोगों पर जो उस पार्लियामेंट का हिस्सा है जिन्होंने नामूसे रसालत के बिल पर अपने जिंदा जमीर सामने नहीं किए। कौन सी जमात है जिसने उसमें जमीर जिंदा होने का सबूत दिया? ये पीटीआई, ये पीपल्स पार्टी, ये पीएमएलएन, सब एक जगह के चट्टे बट्टे हैं। 4 महीने एक कमेटी में इनके भी 3 अफराद शामिल थे, शीरी, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, चले कोई एक दूसरा होगा, ये सब लोग, 3 लोग थे, ये तमाम लोग बिल पढ़ने वाले हैं। यार हम कितने बदकिस्मत हैं कि हम नबी पाक सियासत करते हैं। एक मां से सवाल कर लूं फिर मैं राणा साहब की तरफ आऊंगा कि अगर उन्होंने लानत भेजी है, अगर फट दिया तो हम भेजे ना उन लोगों पर, हम कोई काम नहीं करते हैं। मैं अकरम चौधरी साहब वही बात कर रहा हूँ, अगर लानत भेजी भी है तो एक चीज को लेके इतना ज्यादा हंगामा क्यों किया जा रहा है, बाकी सारे मसाइल खत्म हो गए? इसलिए ना कि सब बदनीयत है, उन्होंने रिलीफ दिया पीएमएलएन को, कसूर का वाक्या दबा दिया, इसलिए कि इनके अपने भी वहां साइमा का वाक्या हो गया। ठीक है भाई, ये बहुत अजीब सियासत है, यानी इशू को किल करने के लिए आपने नया इशू पैदा कर दिया। चले राना अब्दुल समी साहब, आप लोगों ने जो बात की है, ताहिर कादरी का जो जलसा हो आप लोगों ने मिलकर जो वहाँ पे बड़ी अच्छा तकरीर की है, लेकिन आप लोगों का जलसा बिल्कुल भी नजर ना होने के बराबर था। आप लोग 14 मासूम लोगों के जो शहीद थे उनका इंसाफ दिलाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो इकट्ठे होने में आप लोगों की कोई चीज़ ही नजर नहीं आई? बिल्कुल चीज़ नज़र आई है। देखिए, एक तो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक सारी जमातों ने इकट्ठे होकर एक यकजहती का मुजाहरा किया है, ये इसको जो अच्छा काम हुआ उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अकरम चौधरी साहब जो फरमा रहे हैं कि जी ना ताहिरुल कादरी ने खलूस के साथ काम किया है ना इमरान खान, देखें जिन लोगों, सुन ले आसफ अली जरदारी को इसमें ना लाए, अगर 2014 के अंदर वहाँ पर इमरान खान साहब के साथ ताहिरुल कादरी साहब भी वहाँ पे 126 दिन पीटीआई वहाँ पे बैठी गर्मी में सर्दी में, और 74 डेज जो थे यहाँ पे अवामी तहरीक भी बैठी, वो लोग जो वहाँ पे ओपन छत के अंदर जमीन पे लेटे हैं वहाँ पे उन्होंने जद्दोजहद की है, ये जमहूरी जद्दोजहद है। आपने अगर क्रिटिसाइज करना है तो नून लीग को करें, जिन्होंने बदमाशी की है, जिन्होंने बेशर्मी का मुजहरा किया है, जिन्होंने वहाँ पे ये सीना तान के कहा कि जाओ जाके हमने कत्ल किए, जाओ जाके हमें कोई नहीं पूछ सकता, उन अदारों से पूछे कि जिनको आज जो आज वो अदारे जागे 2014 में जाने चाहिए, इंसाफ के लिए इंसाफ। देखें ये उनका जो हिसाब है उसका हिसाब लेने के लिए पीटीआई वहां पे बैठी है, अगर अकरम चौधरी साहब जो फरमा रहे हैं ये बिल्कुल सरासर गलत है। जिस शख्स ने ये जाके 74 डेज बैठे ना, 74 दिन वहां पे भी जाके बैठे, 126 दिन बैठे, ये इनके अंदर है अखलाकी जरूरत, इनको भी वहां पे जाके बैठना चाहिए था। वो जो कत्ल हुए वो इनके बहन भाई थे, वो इनके बच्चे थे, ये नहीं है कि यहां पर ये बैठ के तबसरा कर रहे हैं और वहां पर तो एक दिन भी जाके इन्होंने कुर्बानी नहीं दी, और ये यहां पे ये फलसफा झाड़ रहे हैं, यहां पे फलसफा झाड़ने की बजाय वहां पे जाके बैठे और उस जद्दोजहद है ये इमरान खान की पाकिस्तानी कौन की है, ये पाकिस्तानी बदमाश, ये जो गवर्नमेंट है ये कल को आपको गोली मार सकती है। आज हम जिस इंसानों के लिए खड़े हैं वो किसी भी मोहल्ले के रहने वाले हो, किसी भी शहर के रहने वाले हो, वो पाकिस्तानी है। अगर वो यहाँ पे पुरअमन थे तो उनके ऊपर गोलियां क्यों चलाई गई? अगर कसूर के अंदर उनके ऊपर पुरअमन लोगों पे गोलियां चली गई, ब्रेक के बाद अकरम चौधरी साहब आपने इस चीज का मैं जवाब देना है कि अगर गोलियां बरसाई गई हैं
शहीद किए गए हैं, हुकूमत हुक्मरानों का काम है बीच में मुलव्वस से, लेकिन यहाँ पे राणा साहब की बात से इख्तलाफ होता है, तहसील कादरी साहब की बात से इख्तलाफ होता है कि इंसाफ के लिए कभी वो कनाडा भाग जाते हैं, कभी कनाडा से वापस लाहौर आ जाते हैं, फिर पाकिस्तान में उनको पता नहीं कौन सी चीज़ याद आती है, फिर बाहर चले जाते हैं। और यही काम इमरान खान साहब ने लगाया हुआ है कि इस चीज़ पर सियासत हो रही है, तमाम जमातें मुतहद अपोजिशन जमातें इस चीज़ पर सियासत कर रही हैं, सियासत खत्म हो के इंसाफ किस तरह दिलाया जाएगा, इसका हम आपसे जवाब लेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी अकरम चौधरी साहब, हमें इंसाफ चाहिए, हमें सियासत नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, लेकिन राणा साहब जब दलील ख़त्म हो जाती है तो इंसान गलेल पकड़ लेता है, तो राणा साहब ने भी वही काम किया है। इनको ये पता नहीं है कि हर शख्स की मजदूरी के अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ ज़राए पैदा किए हैं। मैं जो काम कर सकता था मैंने शायद राणा साहब से बहुत ज़्यादा किया हो। मैंने इन चार सालों में शायद इस इशू को जिंदा रखने के लिए कोई 200 टॉक शोज़ में डिस्कस किया होगा, मैंने कोई इस पे 40 या 50 कालम लिखे होंगे, और मैं उन 126 दिनों में शायद 26 दफ़ा वहाँ ज़रूर गया हूँगा सिंबॉलिक सिंपथी के लिए। लेकिन अगर ये कंसिस्टेंसली इस काम को 3 साल ना भूल जाते, आज ये 3 साल बाद याद आया ना इन्हें, उन 126 दिनों के बाद वो एपीसी का एपीएस का वाकया हो गया आर्मी पब्लिक स्कूल का, इन्होंने उसकी बुनियाद बना के वो धरना ख़त्म हो गया, वो कर देना चाहिए था क्योंकि कौमी एक्शन प्लान आ गया था, लेकिन ये उसके बाद भी इशू किल नहीं होना चाहिए था, इस इशू को कंसिस्टेंटली जिंदा रखना चाहिए था ताकि इस माफिया को बाकी मौके ना मिलते ये काम करने का। जैसे कसूर में 2 लोगों को गोलियां मारी गई हैं, इस तरह के बहुत फैजाबाद में 6 या 9 लोग मारे गए, ये इस माफिया को मजबूत करने की बुनियाद बने हैं कि आप एक मौजू को छोड़ के जब दूसरे मौजू की तरफ जाते हैं तो आप मौका देते हैं उन लोगों को मजबूत होने का। हमें उनका एहतसाब करना है, इस माफिया से निजात हासिल करना है, अपने बही खाहों को और अपने हमदर्दों को। आप अगर अपनी जिद की बुनियाद पर आके अपने मुखालफ बनाना शुरू कर देंगे तो आप इस मुल्क की कोई खिदमत नहीं कर पाएंगे। आप अपने दुश्मनों में इजाफा करते जा रहे हैं, उसकी जिंदा मिसाल चकवाल है। यहाँ आप 10-12-15 हज़ार वोटों के बजाय आप 30 हज़ार वोटों से हार गए हैं, NA-120 आप फिर हारे हैं, आप हर तरफ शिकस्त से दो चार होते जा रहे हैं। अब वजूहात तलाश करने के बजाय दूसरों को बायस तनकीद बनाना, तनकीद करना हमारा तो हक है, आपका हक नहीं है हम पर तनकीद करना, आपको उसके जवाब देना और अपनी इसलाहत पर काम करना चाहिए। और अगर ये जमात इस पर गौर नहीं करेगी तो इन्हें इनके बुरे अंजाम से बचाना मुमकिन नहीं होगा। और ये मैं अपने इस स्टेटमेंट पर कायम हूँ, और आने वाले 2018 के इंतखाबात अगर हो गए और फिर इनके पास यही अंडर-19 टीम हुई तो हालात जो हैं ऐसे ही होंगे। इनकी कभी पंजाब असेंबली की कारकर्दगी को उठा के देखिएगा कि यहाँ पे अपोजिशन लीडर ने पंजाब में होते हुए क्या किरदार अदा किया है, क्या काम किया है, पंजाब में करप्शन को उजागर करने के लिए इन्होंने क्या असेंबली में रोल अदा किया है, और उसके लिए इन्होंने किन सड़कों का इंतखाब किया। अकेला इमरान खान पूरे पाकिस्तान में अलम बुलंद करेगा, यहाँ पे जो इनके 36-37 MPA हैं उन्होंने कहाँ पंजाब की करप्शन को लेके बाहर निकले हैं मैदान में। लीडर से तो लीडरशिप पैदा होती है और उसके बाद बाकी लोग चमकते सितारों की तरह आगे निकलते हैं, इनके हाथ तो धुंधलाए हुए सितारे नजर आते हैं। अगर जैसा मैं ज्वाइन किया वहीद आलम खान साहब ने जैमन उनसे बात करते हैं, वेलकम टू द शो सर। वहीद आलम खान साहब ये बताएं कि जलसा तो हमने देख लिया 17 जनवरी को, तहसील कादरी साहब का, आसिफ अली ज़रदारी साहब का, इमरान साहब का, तमाम मसल जमातें जो थी उसमें अपोजिशन जमातें कट्टी थी, लेकिन फिर ये मामलात क्या हैं, आप लोग क्यों नहीं इंसाफ दिला सके आज तक 3.5 साल का अर्सा गुजर जाने के बावजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें पहली बात तो यह है, एक बड़ी ताज्जुब की बात थी कि ताहिरुल कादरी साहब का जलसा था जिन्हें पाकिस्तान में हाई कोर्ट ने नाहल करार दिया हुआ है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उनके ज़ेरे निगरानी जलसा था, और इतने इतने बड़े लीडरान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली ज़रदारी साहब और इमरान खान साहब वो भी वहाँ पर उनकी क़यादत में वहाँ पर इकट्ठे थे, और जो वहाँ पर हुआ उस कौम के सामने है, सबके सामने जो ज़बान वहाँ पर इस्तेमाल की गई, ठीक है चले हो सकता है कहाँ पर कहीं पर हम डिलीवर नहीं कर सके, डिलीवर करने का ये मतलब होता है कि अगर मैं डिलीवर नहीं कर सकता तो मुझे
قابل مذمت ٹھہرایا جائے، الزام لگایا جائے، مٹھایا جائے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ پارلیمنٹ کو الزام دیں کہ اس نے کیا ہے. پارلیمنٹ میں اس بہت سے لوگ ہوتے ہیں، کوئی برا بھی ہو سکتا ہے، اچھا ہو سکتا ہے. اگر میرا جماعت سے تعلق ہے، میں اپنی جماعت کے لیے کوئی کام کرتا ہوں، وہ آپ کے اگر آپ مناسب نہیں سمجھتے اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں. لیکن اس طرح پارلیمنٹ کو اور جو زبان استعمال کی گئی وہ بڑی غیر مناسب زبان تھی. اس سے ان کی مایوسی جو تھی نا وہ عیاں تھی. یہ شیخ رشید صاحب ہوئے، عمران خان صاحب سے میں اب کیا کہہ سکتے ہیں، انہوں نے جو کہا، لیکن غیر مناسب زبان تھی معافی کے ساتھ. وہ کہتے ہیں نا کہ راہ پہ جانے جہاں واہ پہ جانے، تو اس سے انسان کے حسب نصب کا پتہ چلتا ہے جب وہ ایسی زبان استعمال کرتا ہے نا کہ اس کا حسب اور نصب کیا ہے. انہوں نے ایسا زبان استعمال ہے، اور دیکھیں جس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں اور پھر جس پر یہ کہا کہ ان لوگوں نے نواز شریف کو منتخب کیا، یعنی 203 کے آرٹیکل تھا، اور سارے اور اس میں میں چھوٹی سی بات، اس میں جتنا کردار مسلم لیگ نون کا ہے اس قانون کو پاس کرنے میں، اتنا کردار پیپلز پارٹی کا ہے اور اتنا ہی کردار تحریک انصاف کا ہے. ویسا تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی ہے کہ 22 جنوری کو نیب نے خادم اعلی پنجاب میاں محمد شہباز شریف کو طلب کیا ہے ان کے اوریجنل آئی ڈی کارڈ کے ساتھ. مطلب ایسی بات ہے، وزیر اعلیٰ کے طور پہ آئی ڈی کارڈ تو ویسے ہوگا ان کے پاس ہے. لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ سستی روٹی اسکیم 2008 سٹارٹ ہوئی، 2013 تک اس میں آپ بھی چیئرمین تھے، اس میں جو کرپشن کی ہے 70 ارب روپے کی کرپشن ہے، اس کو آپ لوگوں نے ریکارڈ سیل کر دی ہے، تو اس کا مطلب پھر آپ کرپشن میں آپ بھی بادشاہ ہیں پھر؟ نہیں نہیں، بات یہ ہے، دیکھیں پہلے تو ساری بات ہی غلط ہے. 70 ارب روپے کی بات ہی غلط ہے. آپ بجٹ اٹھا کر دیکھ لیں، پنجاب گورنمنٹ کا بجٹ ان سالوں کا، 3 سالوں کے لیے صرف 6 ارب روپے اس میں بجٹ میں اپروو ہوئے تھے جو ہم نے استعمال کیے. بات یہ ہے، یہ تو 70 ارب 80 ارب روپے کی وہ باتیں جو صرف بیانیاں ہیں، جو صرف آپ کی لفاظی ہے. حقائق تو وہ ہے نا کہ جو بجٹ میں پاس ہوا اس پر آپ آئیں. آشیانے میں بھی آپ کے سامنے ہے، کسی طرح کا کوئی کسی ایک جگہ پر بھی کوئی گبلا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی آپ درخواست دے سکتے ہیں، کوئی اور درخواست دیکھتے ہیں، وہ خود بھی سو موٹو لے سکتے ہیں. تو اس میں تو کوئی ریکارڈ سیل کرانے کی بھی کیا ضرورت پیش آئی ہے خادم اعلیٰ کو؟ جی کیا ریکارڈ سیل کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ میرے پوچھے بغیر کسی ادارے کو کوئی ریکارڈ نہ فراہم کیا جائے، یا پھر آپ لوگوں نے آگ لگوانی اس کو بھی؟ نہیں نہیں نہیں، وہ تو ایسے ہوتا ہے، دیکھیں میری بات سنیں، کوئی غیر ضروری آدمی جس کا تعلق نہیں ہے کسی محکمے سے، نئے والے آئیں چیک کریں اس کو، وہ باقاعدہ درخواست دیں کہ جی ہم نے چیک کرنا، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ اس میں ایسے کوئی آدمی آ جائے رد و بدل کر کے، ایک آدھ کاغذ کو ایسا اضافی پھینک دے جو کہ پہلے موجود نہیں تھا، تو اس میں تو ہمیں اس کا تحفظ کرنا ہے نا. وہ آئیں لے جائیں، جو انہیں چاہیے انہیں لے لیں، وہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. جی رانا صاحب، آپ ہیں نا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری طرف سے ہم بالکل کلین ہے، ہم نے 1 روپے کی کرپشن نہیں کی ہے، ادارے جو جس طرح کا مرضی زور لگا کے دیکھ لیں، ہم بالکل پاک صاف ہیں. جیسے ابھی انہوں نے 2-3 باتیں کی ہیں، ایک تو انہوں نے کہا کہ جو یہاں پہ چیرنگ کراس میں جس طرح کی زبان استعمال کی گئی، اس زبان کے اندر حسب نصب کا پتہ چلتا ہے. تو یہی میاں شہباز شریف صاحب نے جب زبان استعمال کی تھی، میاں نواز شریف صاحب آصف علی زرداری کے لیے 2012 میں استعمال کرتے رہے، کیا اس سے بھی حسب نصب کا ہی پتہ چلتا تھا؟ اس زبان کا استعمال جو ہے میاں شریف برادران نے شروع کیا ہوا ہے، اور یہ بیسیکلی ختم آپ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں. طریقے انصاف تو کرے گی، طریقے انصاف تو جتنے اچھے کام ہیں وہ کرے گی. دوسرا انہوں نے بھی کہا بہت اچھا کام کیا، دوسرا میں بھی تاریخی جملے کا ہے، تاریخی جملے کا ہے، میں جو آنے والی نسلوں تک یہ یاد رہیں گے کہ پارلیمنٹ کو کس طرح ملعون کیا گیا. خاصا وہاں پہ چوروں ڈاکوؤں کو تفس دیا جاتا ہے، اس لیے بیٹھے ہیں آپ لوگ اور نکل آ جاتے ہیں نا، جو تصیفے دیے تھے واپس لا دیتے ہیں. چلیے محنتیں کرتے رہے ہیں، جنوی کو نے بلائی ہے نا، محنتیں کرتے رہے ہیں کہ ہمارے استعفے قبول نہ کرے، آپ آ جاتے ہیں. وہاں پر شرفا بھی ہوتے ہیں نا، تھوڑے شرفا نہیں ہے نا، شرفا تھوڑے ہیں. یہ کیا شرافت ہے جو آپ اسمبلی میں تو جائے نا اور 60 لاکھ روپے سیلری بھی لے لیں کرپشن کے بانی. یہ تو کوئی بات نہیں ہے، ان کو یہ کہا گیا ہے کرپشن کے بانی چلے ثابت کر دے نا کوئی چیز، ہم بھی معاملہ ہمیں بھی تو پتہ چلے والے ان کو کرپشن ہوئی ہے. تو وہاں سے آپ لوگوں نے جو تنہائیں لیتے ہیں، عمران خان صاحب لیتے ہیں یا آپ کے باقی ایم این اے وغیرہ لیتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب جو تنہائیں بھی آپ لے رہے ہیں اسی ادارے پہ بھی آپ بات کر رہے ہیں جس ادارے نے، جس عوام نے وہاں پہ ووٹ دے کے بٹھایا ہے، تو اس طرح کی بات زیب نہیں دیتی نا رانا صاحب. دیکھیں ابھی جیسے چوری صاحب نے کہا نا کہ جی چکوال کے اندر بھی اتنے ووٹ مل گئے فلاں، یہ ساری مینجمنٹ ہے. یہاں پہ جس طرح سے پنجاب گورنمنٹ جو ہے اتنی مقبول ہو تو دوسرے صوبوں میں کیوں نہیں جیتتی؟
पाकिस्तान के पूरे के अंदर वोटर भी है ना, सपोर्टर भी है। बलूचिस्तान के अंदर क्यों नहीं जीती, सिंध के अंदर क्यों नहीं जीती, यहां पे जाके केपीके के अंदर क्यों नहीं जीती, कि इनकी मकबूलियत जो है जिसको आप फरमा रहे हैं अकरम चौधरी साहब, ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब के अंदर चकवाल के अंदर तजिया ले लेते हैं। अकरम चौधरी साहब, आपने वहीदान खान साहब की बातें सुनी है, वो कहते हैं करप्शन कोई नहीं हुई, जब प्रोजेक्ट इतने अरबों का नहीं था तो इतने अरबों की बनी नहीं सकती। दूसरी बात उनका सील जो हमने रिकॉर्ड किया है, ये हम उस अदारे को देंगे जो अहल बंदा होगा, हम किसी लल्लू पंजू को नहीं देंगे। तो फिर ये मामला क्या है, फिर इन्होंने इतने सालों से 10 साल से पंजाब में हुकूमत कर रहे हैं, तो इसके बाद कोई अहल बंदा नहीं जो रिकॉर्ड चेक कर सकता इनका। इन्होंने एक और बात भी की कि गैर जरूरी बंदा वहां पे उस रिसाइड ना कर सके, बल्कि जिस अदारा नैब जिस डिपार्टमेंट के हाथ लगाएगा वहां पे गैर जरूरी, आज तक गैर जरूरी बताया ना कोई। इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि इसमें मुल्क के अदारों को सस्टेनेबल ही नहीं बनाया गया, मुल्क के अदारों को सेल्फ सफिशिएंट नहीं बनाया गया। अगर मुल्क के अदारों को इंडिपेंडेंट बना दिया जाता तो आज ना हम इनसे पूछ रहे होते ना ये हमें बता रहे होते। अदारे प्रोसेस के ज़रिए अपने काम को जारी करते और ऑडिट को करते रहते, जहाँ कंप्लेंस आती उसके रिस्पॉन्ड करते रहते और जो मुजरम होता उसको हथकड़ियाँ लगती रहती। तो ये तो चोरों की कोई भी हुकूमत हो, वो पीपल्स पार्टी की हो, PMLN की हो, PMLQ की हो, डिक्टेटर्स की हो, उन तमाम लोगों ने इन चीज़ों को फ़रोग दिया है कि मुल्क के अदारों को कमज़ोर करें ताकि इनके जाने के बाद इसी तरह के लोग आएँ और इनको प्रोटेक्ट करें। और जब तक ये निज़ाम जारी रहेगा कि लोग चोरों डाकुओं और लुटेरों को प्रोटेक्ट करते रहेंगे, आप ये देखें, ये टॉप टू बॉटम कह लें या बॉटम टू टॉप कह लें, हमारे यहाँ छोटे से छोटा चोर भी आपको मिल जाएगा और बड़े से बड़ा चोर भी मिल जाएगा, लेकिन अदालतें भी बेदस्तोपा हो जाती हैं, इसलिए कि प्रोसिक्यूशन का निज़ाम इतना कमज़ोर है कि उसको चोर साबित करने के लिए वो जो ज़रूरी लवाजमात हैं वो नहीं होते। हमारे तो हालत ये हो गई है कि हमारी 18वीं तरमीम के बाद 1818 का पुलिस का निज़ाम जो है इन्होंने कायम कर दिया नए निज़ाम को तोड़ के। जब आप अपने अदारों को कमज़ोर करने के लिए खुद काम करेंगे, अपने अदारों को मजबूत करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनसे ज़्यादा शरीफ कोई नहीं है, इनसे ज़्यादा ऑनेस्ट कोई नहीं है, इसीलिए किया, तो लिहाजा मैं इनकी बात की तायद करता हूं। चले जरा आते हैं वहीद आलम खान साहब, बात यहाँ पे जब करप्शन की करते हैं, लूटमार की करते हैं, चोर डाकू की जो आप लोगों ने निज़ाम बनाया हुआ है, मुल्क को लूट के खा रहे हैं, आप लोगों ने कोई एक आदमी को भी लटकाया है, किसी आपने एक आदमी MBA MNA वजीर मशीर सेक्रेटरी लेवल को किसी को लटका के आपने मिसाल कायम की है कि आप करप्शन के खिलाफ हैं? देखें, 4.5 साल गुजर गए, एक भी करप्शन का कोई मेगा स्कैंडल बता दें किसी का, हो तो हम जरूर करें, है ही नहीं। देखिए वो एक अलहदा सिस्टम वो तो ऐसे है ना, देखे मेरी बात सुने, वो तो बला अलहदा चीज है ना, लेकिन अगर तुम्हारे किसी वजीर का आपने उनका नाम लिया है ना, कोई मेगा करप्शन बता दे। अभी बात मेरे भाई ने की कि अदारे को, ये बात इनकी दुरुस्त है, लेकिन उसमें सिर्फ सियासतदानों का हिस्सा नहीं है, उसमें जो तसलसल कायम नहीं रहा अदारों के लिए, जिस वजह से इदारे कमजोर हुए कि पहले मैं हुक्मरान था, मेरे जाते ही कोई अमर आ गया उसने उसको आकर बदल दिया, फिर मैं आ गया मैंने बदल दिया, फिर कोई अमर आ गया उसने उसको बदल दिया, तसलसल नहीं रहा। तसलसल रहता तो यकीनन ऐसे ही होता है, अदारे कामयाब हो जाते और बिल्कुल मजबूत होते जिस तरह का है, लेकिन क्योंकि अदारों में तसलसल नहीं रहा 35-30 साल हमने सियासतदानों में, तो 35 साल आमलों ने की, जब भी आए उन्होंने वो लॉ नहीं बदल दिया, हम फिर उनको आगे से लेकर चल पड़े, इसलिए अदारे जो है मजबूत नहीं हो सके। डॉलर की कीमत 60 रुपए थी, अब 112-114 पे भी नहीं रुक रही, उसके बाद आप यहाँ पे देख लें पाकिस्तान में गुर्बत का मियार कहाँ चला गया, बीमारियों का तसलसल कहाँ पे निकल गया, एजुकेशन लोगों को मिल नहीं रही, तो सारी चीज़ों आप पर डलती है, आप लोगों ने कर्जा जो है कशकोल आप लोगों का टूट नहीं रहा, फिर आप कौन से दावे करते हैं कि हुकूमत आप बहुत अच्छी चला रहे हैं? देखें, मेयार तो यही होता है ना, जो आम लोग आप उनसे पूछ रहे हैं कि उनका मेयार ज़िंदगी, वो खुश हैं, खुश ना हो तो वो सड़कों पर आएं, खुश ना हो तो वो हमें इलेक्शन में वोट ना दें, क्योंकि आप जाकर पे आते हैं तो गोलियां मार देते आप, नहीं 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 गोली क्यों मारे हम किसी को, कौन मारता है, हमने तो नहीं मारी, ना, ना, आपकी पुलिस है, आपकी पुलिस मार दी गोली, मेरी पुलिस है, पुलिस पाकिस्तान की है, पुलिस पंजाब की है, जो महकमा उसकी है, लोग मेरिट पे भर्तियां नहीं करते हैं सजाएं उसके बाद आप लोग, मैं कहता हूं देखे मेरी बात सुने, 2008 से लेकर अब तक एक बंदा मुझे बता दे एजुकेशन में और पुलिस में किसी MNA या MPA के कहने पे भर्ती हुआ हो। चले राणा से प्रोग्राम का टाइम कम है, एक जुमले में बताएं कि इनके जो कारनामे हैं उस पर कोई तो अच्छी सी तारीफ आप भी कर दे।
देखिए इनके जो सबसे बड़े कारनामे हैं कि इन्होंने अब तक किसी एक अदारे को भी सर नहीं निकालने दिया। किसी भी अदारे का सरबराह सेक्रेटरी होता है, इनका किसी रिकॉर्ड निकाल के, वहीद आलम साहब जाके पंजाब का रिकॉर्ड निकाल के देख लें, किसी अदारे के अंदर भी 6-7 महीने से ज्यादा लंबा अरसा किसी सेक्रेटरी ने नहीं निकाला। सेक्रेटरी लीड करता है, देखिए मैं टोटल डिपार्टमेंट देख लें, टोटल सेक्रेटरी देख लें, 2-3 के अलावा बाकी सारे निकाल लें, कोई यहाँ पे किसी का कोई बीमारी का बहाना आ जाता है, किसी की फैमिली का बहाना आ जाता है, कोई खुद चला जाता है, कोई ऐसा भी होता है कोई हमारे मेयार पे पूरा नहीं होता तक वो अपनी पूरी परफॉर्मेंस उसको भी बदल दिया जाता है। करप्शन को कंट्रोल अदारे के सरबराह ने करा अंदर जो सेड़ा बेड़ा गर्क है वो वहीं से होता है कि नीचे वाले बंदे बेलगाम है। हर गरीब आदमी जो है इस वक्त वहां पे विक्टिम है। हर गरीब आदमी को एमएनए साहब है, एमएनए साहब के तो शायद काम होते होंगे, कोई ये कल खुदा ना खास्ते एमएनए नहीं होंगे, कल इनकी जगह पे पीटीआई जीतेगी तो कल को इनको जब जाके देखना पड़ेगा तो उस वक्त इनको पता चलेगा कि हर अदारे के अंदर इस वक्त करप्शन है। किसी गरीब आदमी का किसी अदारे में बगैर काम ही नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा। अकरम चौधरी साहब आखिरी जुमले बताएं कि इस टाइम पाकिस्तान तरीके इंसाफ मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या काफ लीग किसी के पास कोई एजेंडा है, कोई ऐसा मंशूर है जिससे आवाम के मसाइल हल हो सकते हैं? आखिरी जुमले में मैं समझता हूँ पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है कि सब लोग इस मुल्क को बचाने के लिए एक हो जाएं, अपनी जाती अना को छोड़ दें। इस मुल्क के गरीब आवाम जो 98% है, मैं तो 2% जो अलीट और सुपर अलीट क्लास है उसके बाद सब लोगों की जिंदगी अजीरन है, उनको बनाने के लिए इस हजूम को एक कौम में तब्दील करें। यही पाकिस्तान। अकरम साहब आपका, राणा साहब आपका, वहीद आलम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लगा। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से मैं इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।